जवाब क्यों नहीं देते? ये सब क्या है बंटी? नहीं 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 आंटी, जैसा आप सोच रही वैसा कुछ भी नहीं है। वो मैं सिर्फ प्रिया को बस लेकर आया था। इतना बड़ा धोखा, अगर ये सब करना था तो ये शादी क्यों? बस मेरी बात सुन। बस आंटी को कुछ मत बोलो। प्रिया शट अप, प्लीज शट अप, लेट मी टॉक। बस मेरी बात सुन। बस इसके पास मत आना, दूर रह। क्यों? क्या क्यों? ये गलती हरकत करने के बाद पूछ रहा है क्यों? शादी से पहले किसी और लड़की के साथ या बिस्तर में? छी छी, व्हाट? नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप गलत सोच रही है, गलत समझ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग? इतना सब कुछ करने के बाद अब नई कहानी बता रहा है? हमने देखा, हम वही समझ रहे हैं। हालत देखो अपनी। अंकल ऐसा तो एक्चुअली क्या था कि पिया की तबीयत खराब थी, वो डिजी फील कर रही थी। मैं बस डिजी फील कर रही थी। ये सब कुछ हम लोगों ने सब देख लिया इन आंखों से, पर अब कहानी पे कहानी सुना रहा है। चिप बोला नहीं। प्लीज प्रीशा, अच्छा हो तुम आ गई। प्लीज तुम मुझे अच्छी तरीके से जानती हो ना, प्लीज इनको एक्सप्लेन करो। ऐसा कुछ नहीं, तुम जूझे जानती हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। प्लीज प्लीज एक्सप्लेन मी। बबल लिसन टू मी, बबल आई डिडंट डू एनीथिंग। बबल नहीं आएगी। आई लव यू बंटी, इसी शादी मत करो, बस शादी मत करो। बंटी, तेरे लिए इतना कुछ किया लेकिन तूने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अरे अपना भी लॉस किया, मेरा भी किया। कुछ नहीं किया मैंने, मेरे सच पे कुछ नहीं किया। तो विश्वास कर रहे हैं? ग्रंथ सच। दी, ये प्लानिंग थी आपकी? और मुझे एक बात बताना, इससे प्रीशा का क्या लेना देना? और आपकी इस प्लानिंग के चक्कर में ना खामखा वो बंटी फंस गया। ऐसे ऐसे बॉम्ब फोड़ने वाली थी आप। I'm sorry darling, it's just मैं खुद बहुत confused हूँ कि ये सब कैसे हो गया। I mean बॉम्ब यही फूटना था। You remember युवराज? प्रीशा का that ex lover? हाँ, वो यहाँ पर है। मैंने फिक्स किया था कि प्रीशा और युवराज यहाँ पे पाए जाएंगे, but this बंटी एंड पिया ये यहाँ कैसे पहुंच गए? बंटी के पास कोई नहीं है, अभी जाके मैं उसे सब बता दूंगी दैट आई लव हिम। गेस्ट रूम नंबर 5 में आ जाओ, बहुत अर्जेंट है। ये अननोन नंबर से किसका मैसेज है? जाकर देखती हूँ।
या हाँ, हे, हाय। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलना। वो एक्चुअली मैं तुम्हें ये कहना चाहती थी कि वो मैं तुमसे क्या बकरी की तरह मैं कर रही है, बोलना। मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए तो इतना नर्वस हो रही है, बोलना यार, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं तुमसे प्रिया एक बीबी यू के पता नहीं अचानक से चक्कर डिजी फील हो रहा है मुझे, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मुझे मुझे रूम में जाना है। वेट वेट वेट, मैं तुझे ड्रॉप करता हूँ, आजा आराम से, आराम से। ओके, यहाँ तो कोई भी नहीं। ये रहा रूम नंबर 5। तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे मैं तो युवराज, मैंने तुम्हें मना किया था ना, इसका मतलब वो मैसेज भी मुझे तुम्ही ने भेजा था। मैसेज? युवराज क्यों आए हो यहाँ? अगर हम ऐसे अरे एक मिनट, बहुत बोलियो, तुम्हें मेरी बात सुनो। पहली चीज, मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा तुम्हें, और दूसरी बात, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। मुझे तो उसने वो, अरे कौन है वो, तुम्हारी फैमिली है तुझ पे आहाना खुराना, उसने मुझे भेजा यहाँ पे कि यहाँ पे गेस्ट है, इन्हें सर्व कर दो ड्रिंक। देखो मैं देने आया हूँ, वेटर हूँ ना। युवराज तुम ही अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो फिर पर तो दे तो रहा हूँ मैं तुम्हारा साथ, और कैसे बिलीव कर रहा हूँ, हाथ पे टैटू करवा लूँ प्रीशा मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुद्राक्ष की माम का फोन, एक सेकंड। हाँ तो उठाओ। तुम्हारी वजह से हार गया मैं, बोला था ना मैंने तुमसे। क्या हुआ, क्या, अरे कहाँ जा रही तुम, क्या हुआ बता के तो जाओ, कहाँ जा रही हो? तो हो क्या रहा है यार, चल क्या रहा है, हम यहाँ पे ड्रिंक्स किसको देने आए हो, कोई है क्या यहाँ? ना ना, मन कर रहा है ये बोतल लेके उसके सर में मार दूं मैं। एक पैक बना लूं क्या? नहीं, क्योंकि जैसे ही पीने जाऊंगा ना, वो वेडिंग प्लानर आके पूछेगा यहाँ क्या कर रहे हो। अरे जिंदगी खराब हो रखी है मेरी। I'm so confused, नीश, सब उल्टा पड़ गया। बॉम्ब तो कोई और ही फूटना था, लेकिन ये बॉम्ब भी कम धमाकेदार नहीं था। कम टू थिंक ऑफ इट, अब इस बॉम्ब का धमाका ना बहुत बड़ा ड्रामा करेगा। धमाका होगा, 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 होपफुली। रुद्र मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ बबल से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, तू बता मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बोल। नहीं, तू जाके सबको बताना यार, मैं नहीं चाहता कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते मेरे और बबल का रिलेशन खराब। जस्ट प्लीज गो एंड टेल एवरीवन। अबे क्या होपलेस आदमी है तू, प्यार में पागल हो गया है। अच्छा ठीक है, शुरू से बता कि क्या हुआ था। मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था और पिया मेरे पास चल गया, सडनली वो डिजी फील करने लगी, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, आई गेस जरा ड्रिंक कर लिया था उसने। उसके बाद मैं उसे अपने रूम लेकर आ गया, एंड पता नहीं उसके बाद वो अनाप शनाप सी बातें करने लगी। बट ट्रस्ट मी, मेरे दिल में पिया के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ बबल से प्यार करता हूं। प्यार करता, यही तो प्रॉब्लम है इडियट। मना किया था ना मैंने, बजा दी ना बैंड प्यार ने, तेरी शादी के साथ साथ तेरी इज्जत भी खतरे में आ गई है। अभी ये दिल की नहीं, ये दिमागी बीमारी है प्यार, फालतू फ्री का हेडेक है। प्लीज भाषण देना बंद कर, तू ये बता मुझे अभी करना क्या। कुछ करने की जरूरत नहीं तुझे, बबल्स प्यार करती है ना तुझसे, तो तुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, उसको तुझ पे भरोसा करना पड़ेगा और कल शादी करनी पड़ेगी, वरना भूल जा कि बबल्स नाम की लड़की तेरी लाइफ में थी। गलती मेरी है, मुझे बंटी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, वो बंटी ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों करेगा मुझसे शादी, है क्या मुझ में? बबल्स ये सब क्यों बोल रही है? तूने पिया को देखा, कितनी टॉल अट्रैक्टिव हेयर है वो, और मैं टॉल मोटी, वो तो छोड़, कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, इसको उसके पास ही जाना चाहिए। तू इधर देख, अच्छा चेहरा, अच्छी फिगर, ये सब प्यार में मायने नहीं रखता है। जो मायने रखता है वो इंसान का कैरेक्टर, इंसान का दिल, और तू इन सब में किसी से भी कम नहीं। तो फिर बंटी ने क्यों किया मेरे साथ? तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं बंटी को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता यार। मुझे तो लग रहा है कि किसी ने उससे ये सब जानबूझकर करवाया। Excuse me, सुनो।
समझ में आया ये सब किसका काम? किसका? बताऊंगी, सबको बताऊंगी, लेकिन एक बार जो मैं सोच रही हूँ उसे कंफर्म होने दे। सॉरी। एक्सक्यूज मी, क्या रुद्राक्ष ने आपको पैसे दिए थे? देखो सच सच बताना, मैंने खुद देखा था। पैसे क्यों दिए बोलो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं आपको नहीं बता सकता मैडम, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं जो भी पूछूं उसका हाँ या ना में जवाब देना। मैं किसी को नहीं बताऊंगी रुद्राक्ष ने पैसे पिया के ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए दिए थे। हाँ। तो मेरा शक सही निकला, पर रुद्राक्ष इस हद तक गिर गया, वो भी अपने दोस्त के लिए? जवाब तो देना पड़ेगा उसे। Well done. I'm impressed. ये लो, तुम्हारे झूठ बोलने की कीमत। Shh. अब यहां से ना चले जाओ, अगर पकड़े गए ना बहुत पड़ेगी। गायब हो जाओ, come on, चलो। Get out. चलो, मेरे धमाके से काम नहीं हुआ तो अब इस धमाके से तो होगा ही, क्योंकि अब वो चीप प्रीशा जाके लड़ेगी रुद्र से, और फिर हो जाएगी उनकी हैप्पी फैमिली इमेज ब्रेक। उसके बाद प्रीशा कैसे रुकेगी यहाँ, क्योंकि सारांश तो चला जाएगा, तो उसे भी भागना पड़ेगा। फाइनली माय जॉब इज डन।